हमेशा सदरी वैसे भी हम मेरे साथ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम लोग चुनिया होने, क्योंकि एक ऐसा था कि हम लोगों ने जो है वो लोग जिनके आसपास नहीं, वो लोग हैं जिनके पैर का कुछ मसला था, किसी वजह से वो पैर काटना पड़ा, रिपेयर या एक्सीडेंट जो भी वजह थी, उनको जमा किया कि उनको हम ये दे। तो पहली चीज तो मैं यहाँ बताऊंगा, हमने इंग्लिश में भी देखे लिखा था कि आई चूज नॉट टू प्लेस दिस इन माई एबिलिटी, मतलब ये कि मैं पसंद नहीं करता हूँ कि एबिलिटी मतलब ये करने की जो क्षमता होती है उसके अंदर मैं डिसएबिलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं जो क्षमता नहीं रखता। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अगर ऐसा कोई अंग आपके पास अगर वो नहीं है तो उसका बदला आपको बहुत बेहतरीन दुनिया में और मरने के बाद के जीवन में दिया जाता है। इसलिए कि एक बहुत बड़े जो है ज्ञानी थे, उनका ये कहना है जिनका नाम इब्ने कय्यिम अल-जौज़ी, अरब के रहने वाले थे, उनका कहना था कि जब ईश्वर अल्लाह एक रास्ता बंद करता है तो एक रास्ता खोल देता है। तो जब ऐसा कोई घटना से जैसा कि अंग चला गया, हाथ चला गया, आंख चले गई, पैर चले गई, हाथ चला गया, सिर्फ मानव के लिए, इंसानी के लिए जरूरी है कि वो उस चीज को समझे और ये सोचे कि ये ऊपर से होने वाला था, मेरी तकदीर थी, नसीब थी, किस्मत थी, जो जो वो अलग अलग भाषाओं में वो था, अब मेरे को क्या काम करना है। जिसको मैं ऐसे उदाहरण देके आपको समझाऊंगा, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि किसी को भगवान ने अकल नहीं दी, मंदबुद्धि हो जाता है, किसी को हाथ पैर नहीं दी जो पैदाइश से होते, किसी को दिए लेकिन बाद में वो चीज चले गई, तो ऐसा क्यों होता है और इसका बदला क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये ऐसा इसलिए होता है कि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमारे लिए टेस्ट रखा है। दुनिया जो है, ये पृथ्वी पे हमारा जीवन है, ये एक परीक्षा है, एग्जाम है। परीक्षा में जिसको जैसा पेपर आएगा उसको उसका बदला, उसका रिजल्ट भी वैसा होने वाला है। जैसा कि अगर बच्चे को आसान पेपर आएगा तो रिजल्ट जाहिर सी बात है उतना अच्छा, क्योंकि सबको आम पेपर आसान था तो मार्क्स भी, लेकिन अगर पेपर कठिन था तो बदला भी अच्छा मिले। दुनिया के अंदर इस तरह से अगर इंसान मानव के साथ हो जाता है, स्वयं छीन जाता है, तो उसको उसका बदला इस दुनिया में मिलता है और मरने के बाद के जीवन में भी उसको इसका बदला मिलता है। या तो हम इसको मतलब अगर कोई ऐसा होता है इंसान के साथ, कोई अंग चला जाता तो बुरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए अच्छा था, अब मैं इस सिचुएशन में या ऐसी हालत में क्या कर सकता हूँ, वो मेरा टेस्ट है, वो मेरी परीक्षा है और इससे मुझे करना है। बहुत सारे लोग जब ऐसा होता है डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेस मतलब अब क्या फायदा, जैसा हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ तो बताए, तो जाहिर सी बात है मेरा भी अगर एक्सीडेंट हुआ, एक हाल में हमारे एक स्टाफ है उनकी पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और एक उंगली वो करके बिल्कुल निकल गई, एक्सीडेंट बैरल बाद में जुड़ गई, तो सबको सोच के वो हो रहा था कि अब क्या, मतलब उंगली छोड़ दे क्योंकि एक अंग है वो, तो सब परेशान हो गए। तो जाहिर सी बात है किसी का एक उंगली नहीं, पैर चला जाना, एक हाथ चला जाना, आंख चला जाना, कुछ बहुत दुख होता है। लेकिन उस दुख के अंदर से डूबते जाए और वही सोचते जाए तो फिर जिंदगी का कोई महत्व और नहीं, कोई एक बाकी नहीं, मानव कैसे लगता है कि कुछ बाकी नहीं, वैसा नहीं, इसी उसमें हमको जीना है और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं वो करना है। और बहुत सारी बार जब ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई अंग नहीं होता और वो कुछ करते हैं, वो तो देख के एक इंसान को और भी मोटिवेशन जिसको वो मिलता है कि नहीं देखो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ये आपके लिए कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये एक टेस्ट है, परीक्षा है और उसमें हमको डट जाना है, उसको बुरा नहीं मानना है बल्कि इसमें आगे बढ़ना है। आप लोग बहरहाल यहाँ आए, मैं जैसा कि मुझसे पहले हमारे जो एडमिन साहब थे ख्वाजा नवीन, उन्होंने बताया आपको तो, कि हम लोग जो है ऐसे एक्टिविटीज करते रहते हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि आपको बुलाए और आपको फोटो ले और चीज़ों को इस तरह, हम लोग जनरली ये चीज़ों कहीं नहीं डालते सिवाय जहाँ गवर्नमेंट की जरूरत है, जिस चीज इनपुट की उसको करते हैं। बल्कि मुझे तो पर्सनल लेवल पे मुझे तो अच्छा भी लगता है ऐसे प्रोग्राम में आना भी पसंद नहीं करता है, वो तो आप ही कर लो, अच्छा नहीं दिखता किसी कुछ हम दे रहे हो बुलाते, बल्कि होना ही चाहिए कि हम लोग जाके लोगों तक पहुंचा चीजों को। लेकिन कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि लोगों को बुलाना पड़ता है, वरना मैंने तो आज खासतौर से बोला था कि आज कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को हमेशा बुलाते हैं, आप हमारी कोई न्यूज देखेंगे पुलिस वाले ये बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन आज मत बुलाना इसलिए कि वेट बहुत कराते हैं, इंतजार बहुत कराते हैं, और इंतजार हम लोगों को नहीं करा सकते ऐसी चीजों में। हमारा काम है कि हम जल्दी करें। आज खास तौर से मैंने बोला था कि किसी को बुलाना, डॉक्टर से हमारे को बुला दो जल्दी आ जाए, नहीं इंशाल्लाह टाइम करेंगे हम लोग, लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ताकि वो लोग अपनी चीज भी अब चले जाए। तो बहरहाल धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहरहाल आप आए, और बस एक ही आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करें हम लोगों के लिए कि हम लोग ये काम में और आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करें। और भी ऐसे लोग जो आप जैसे इन पैसे को तकलीफ हो अगर हो तो आप जरूर हमारे पास रेफर कीजिए, हम इंशाल्लाह अजीज जो भी मदद अपनी तरफ से, जो भी सहायता हो सकती है उनको पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे। ये ट्रस्ट का काम ही है, हम लोग लोगों को मेडिकल में, दूसरा लोगों को जो है एजुकेशन तालीम के अंदर,
और तीसरा जो है एम्प्लॉयमेंट, कुछ तो भी रोजगार से लोग लगे, तीन चीजों में हमारा संस्था काम करती है। तो और भी ऐसे कुछ लोग हो तो जरूर उनको भेजे ताकि हम लोग मदद करें, कि हमारे लिए भी कुछ नसीबी होगी कि हम उनकी मदद कर पाए, और आप लोगों को भी अजर मिलेगा, सवाल तुमको मिलेगा कि आपने उनको हमारे घर एजेंसी के थ्रू जाकर बताया। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेटर्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सभी का सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।